वर्ल्स ऑफ अ फ्लावर। अगर हम फ्लावर के वर्ल्स की बात करते हैं बच्चों, तो बेसिकली हमें चार वर्ल्स देखने को मिलती हैं फ्लावर में, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड की बात करते हैं, दैट इज कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है बच्चों? ये जो ग्रीन सा पार्ट दिख रहा है हमें फ्लावर के बेस पे, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कैलिक्स। ठीक है, इसकी जो इंडिविजुअल यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं सेपल। ठीक है, वर्ल का मतलब क्या है? ये जो सर्कल में कोई भी पार्ट्स लगते हैं प्लांट के, दैट इज नोन एज वर्ल। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल की होगी यहाँ पे हमारे पास कैलिक्स। इस कैलिक्स के बेस पे ध्यान से देखो यहाँ पे बच्चे, हम छोटे छोटे से ग्रीन ग्रीन से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज एपिकैलिक्स। ठीक है, ये जो एपिकैलिक्स है सिर्फ इस हिबिस्कस या फिर मालवेसी फैमिली का ही करेक्टरिस्टिक है। जो नॉर्मली हम मैक्सिमम फ्लावर्स देखते हैं वहाँ पे उनके बेस पे यहाँ पे हमें ये नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल इज कैलिक्स और इसका बेसिकली काम क्या होता है? दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लावर। ठीक है, जो ग्रीन सा पार्ट में रिमूव कर रही